नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले अपने इस फोन Vivo T2 Pro के बारे में। देखिए दोस्तों, इस प्राइस रेंज में बहुत कंपनीज ने बहुत अच्छे अच्छे फोन लॉन्च किए हैं, तो क्या हम एक वर्थ बाय से मान सकते हैं 2024-25 में, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही मैं शेयर करूंगा आज अपना एक साल का ऑनरशिप रिव्यू। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोज के बारे में। सबसे बड़ा हाईलाइट इसकी बैटरी और इसकी चार्जिंग पॉइंट है, क्योंकि यह पावर पैक फोन में 4500 mAh की बैटरी दी गई है। इसके हिसाब से हम रफली से 7 से 8 घंटे यूज कर सकते हैं और नॉर्मल यूजेस में हम इसे 12 आवर्स के करीब यूज कर सकते हैं। चार्जिंग के बारे में तो हमें इसके साथ 66 वाट का चार्जर प्रदान किया गया है, जो हमें इन बॉक्स ही मिलता है। 66 वाट की चार्जिंग होने की वजह से यह फोन, जैसे आपको किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है, तो 10 से 15 मिनट में ही आपको 50% बैटरी बैकअप के प्रदान करता है। इसके प्रोस में सेकंड नंबर पे आता है। इसके कुछ कॉन्स भी हैं दोस्तों, इसे मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा आपसे। कैमरे की बात की जाए तो हमें 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का बैक में सपोर्ट और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में सपोर्ट मिलता है कैमरे का। इस प्राइस रेंज में हमें नो डाउट यह कैमरा बहुत ही अच्छा है। फोन के बैक और फ्रंट कैमरे से हमें अच्छी फोटोज अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमें वीडियो क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यह फोन रात के समय में अच्छी वीडियोस कैप्चर नहीं करता है। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो हमें इस फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें इस प्राइस रेंज में Vivo को प्रदान करना चाहिए था। बात करते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो हमें इस फोन में अभी जो है एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट मिल रहा है और ये Vivo Fundus OS 14 पे काम कर रहा है अभी करंटली। देखते हैं सर आगे आने वाले समय में Vivo कैसे अपडेट देता है और फोन की कैपेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है। तो बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। इसके एक कॉन्स में है इसका स्पीकर। ये देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ बैक साइड पे एक ही स्पीकर प्रदान किया गया है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी इतनी बेहतरीन नहीं हो पाई है इस फोन की, जो कि हमें इस प्राइस रेंज में जरूर से जरूर मिलनी चाहिए थी। और अगर बात की जाए इसके डिस्प्ले की, धूप में हमें ऐसा महसूस होगा जब हम हैवी यूज करेंगे या ज़्यादा धूप है बाहर, तो इस तरीके से लगता है जैसे हमने कोई चीप क्वालिटी का डिस्प्ले यूज किया हो। इसमें अपने एक्सपीरियंस की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह फ़ोन यूज करने में कैसा है। इसके साथ हमें मिलता है डायमेंसिटी 7200 का सकता है और इसका एनएनटू स्कोर 7 लाख के ऊपर है। लेकिन आप इस फोन में यूट्यूब और सोशल मीडिया के अलावा कोई भी चीज़ अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे हैवली यूज किया और गेम खेला BGMI वगैरह, तो यह फोन जो है 1-2 दिन ही सर्वाइव कर पाया। इसके बाद फोन में लैगिंग और गेम में लैगिंग आने लगी लगातार। BGMI खेलते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है इस फोन के साथ कि मुझे इस फोन को बीच से होल्ड करना पड़ता है। और जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, इस फोन में हमें ऑरा लाइट प्रदान की गई है। ये लाइट बस देखने में ही अच्छी है, इस लाइट का कोई मतलब हमें नहीं है। Vivo की तरफ से यह Vivo को हमें ऑरा लाइट की जगह फ्लैश लाइट दे देनी चाहिए थी, क्योंकि इसका लाइट का थ्रो बहुत ही ज्यादा बेकार है। यह सिर्फ देखने के लिए में ही अच्छा है, काम करने में नहीं। दोस्तों फाइनली बात करें इस फोन को परचेस करना चाहिए हमें या नहीं, तो इस फोन का डिजाइन क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है। लेकिन अभी इस प्राइस रेंज में Vivo कहीं ना कहीं मात खा गया है, क्योंकि हमें इस प्राइस रेंज में इससे बहुत ही बेहतरीन और अच्छे फोन देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। दोस्तों तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।